हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ रूप मंत्रा डायमंड फेशियल किट का रिव्यू करूंगी, जो कि काफ़ी अच्छा फेशियल किट है। मैंने इसे पहले भी यूज़ किया था, मुझे इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे। एंड गाइस, इसकी जो प्राइस है वो 398 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बट ये काफ़ी अच्छा फेशियल है। अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना है और आपके फेस बहुत ज़्यादा डल है, झुर्रियाँ है, झाइया है, तो आप इसे जाने के एक दिन पहले इसे कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ही ग्लो आएगा। एंड गाइस, किसी भी पार्टीज वगैरह के लिए भी अगर आपको रेडी होना है तो भी आप इसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और रूप मंत्रा के सभी प्रोडक्ट हर्बल हैं, इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये दिविसा द्वारा मार्केट में लॉन्च होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। क्लिनजिंग मिल्क है, स्क्रब है, जेल है, पैक है और क्रीम है। साथ ही क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहाँ लिखे हैं, और इन्हें करने का क्या तरीका है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे देखकर आप इजीली कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको फेशियल करना नहीं आता है और आप पार्लर जाके फेशियल कराने से भी डरते हैं, और पार्लर जाके फेशियल कराना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो उसकी जगह आप इस टाइप के फेशियल कीजिए। ये काफ़ी अच्छे हैं और इनके रिजल्ट काफ़ी बेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, अंदर से ये कुछ इस तरीके की है और अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं जिन पे सब पे नंबर लिखा हुआ है, जिन्हें आप देखकर इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर दूंगी। यहाँ मैं वाइप से अपने पूरे मेकअप को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, जिससे मेरा जो फेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फेस पर कोई भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो जब भी आप मेकअप करो तो इस तरीके से मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लीजिए। गाइस, अब हम इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि क्लिनजिंग मिल्क है। उसे इस तरीके से आपको लेते हुए पूरे फेस पे लगाना है, जिससे आपके फेस पे कोई भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अगर आपके फेस पे ब्लैक हैंड्स हो रहे हैं, वाइट हैंड्स हो रहे हैं, तो वो भी अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से लेते हुए आपको अपने फेस पर इस तरीके से स्क्रबिंग करनी है, और इसे आपको 10 से 15 मिनट्स तक करनी है, जिससे आपकी जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आपने कोई मेकअप कर रखा है तो वो मेकअप भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस, फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसे वाइप से साफ कर रही हूँ। जो भी डस्ट वगैरह होगी वो वाइप्स में आ जाएगी। आप चाहे तो चेहरे को धो भी सकते हैं, जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सब ईजिली निकल जाएगी। गाइस, अब हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे, जो कि स्क्रबिंग है। इसमें नीम है, तुलसी है, मुलेठी है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं। इस तरीके से लगाकर आपको फेस पे स्क्रबिंग करनी है। 5 से 10 मिनट्स तक आपको स्क्रबिंग करनी है, जिससे आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। इस तरीके से आपको अपने फेस पर स्क्रबिंग करनी है। नहीं, साथ ही आप नेक पर भी स्क्रबिंग कीजिए। और इस तरह से मैं वाइप से इसको क्लियर कर रही हूँ। कई साहब चाहे तो ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे, जो कि एक मसाज जेल है। काफ़ी अच्छी मसाज जेल है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी तुलसी, नीम, लेमन है, जो हमारी डार्क स्किन को लाइट बनाते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को कम करते हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई है तो ये उन्हें भी लाइट करते हैं, एंटी एजिंग को कंट्रोल करते हैं। सन से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है तो उसे भी ठीक करते हैं, चेहरे को ब्राइट बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं। इस तरीके से आपको अपने फेस पर मसाज करनी है। नहीं, जब भी आप मसाज करें तो अपने फेस पर ऊपर की तरफ मसाज करें, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगी। 5 से 10 मिनट्स तक इसे आपको अपने फेस पर मसाज करनी है। इनमें सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डार्क कलर को लाइट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, हाइड्रेट बनाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये उसे भी नरिशमेंट देते हैं। इस तरीके से इसे आपको अपने पूरे फेस पर लगाना है, लगाने के बाद छोड़ देना है। फ्रेंड्स, अब हम इसका फोर्थ स्टेप करेंगे, जो कि एक फेस पैक है।
इस फेस पैक में लेमन है, मुल्तानी मिट्टी है, माइंट है, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी डल स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। साथ ही आपका चेहरा बहुत ज़्यादा धूप से झुलस गया है तो उसे भी ठीक करेंगे। फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, धूप से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये उसे भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको इसे 15 मिनट्स तक छोड़ देना है और 15 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेना है। सो गाइस, मुझे काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि इसमें माइंड है जो स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका 5th स्टेप करेंगे जो कि नरिशिंग क्रीम है। इसके अंदर आलमंड ऑयल है। रूप मंत्रा डायमंड नरिशिंग क्रीम काफ़ी अच्छी है, स्किन को हाइड्रेट रखती है। साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल स्किन टाइप है, हर स्किन वाले इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे देखकर स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी बेस्ट, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस, काफ़ी अच्छा फेशियल किट है, इसे आप यूज़ करके देखिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी फेशियल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि फेशियल कैसे करते हैं, कौन सा स्टेप पहले फॉलो करते हैं, तो आप इसे देखिए। इसे देखकर आप इजीली फेशियल कर लेंगे और साथ ही बिगिनर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है। इसमें ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही इसे करने के बाद आपके फेस पे पिंपल्स होगी, ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। काफ़ी स्टेप बाय स्टेप इसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और लगाने के बाद मुझे अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ही फ्रेशनेस नज़र आ रही है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।